I have seen these dishes in Doraemon and Shinchan. It is Korean cartoon, no? Yeah. It's not Korean, it's Japanese anime. But the culture is almost same. Spoon. ये वही कॉफी है जो हम कोविड में बनाया करते थे. मैंने खुद वीडियो बनाया था. This is the authentic one, I guess. मैंने खुद कोविड में ये बनाया था घर पे. वो ट्रेंड आया था बीच में. Look at this. This is dalgona. Okay. कोरियन शेफ है ना, उनके अंडर उन्होंने काम किया है, तो जो आपको कोरियन डिशेस की जो टेस्ट मिलेगी ना, वो एकदम ऑथेंटिक कोरियन रहेगी. और यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं ना, वो भी काफी सारे फॉरेन कंट्रीज से आते हैं. हाय, हेलो, नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सबका और एक नए ब्लॉग में. तो आज मैं आया हूँ बानर के कैफ़े डालगोना, इस कैफ़े में, और मेरे साथ है प्रणव भी. तो बेसिकली यहाँ पर है ना, जो कोरियन डिशेस है ना, ऑथेंटिक कोरियन डिशेस, वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे. तो आज हम इसी कैफ़े का आपको पूरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं. तो बिना किसी देरी के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं. सो हमारा जो स्प्रेड है वो यहाँ पर आ चुका है, आप देख सकते हो, फुल ऑथेंटिक, ऐसे जो मूवीज़ में देखते हैं ना, वो दिख रहा है. खास करके ये जो डिश है ना, तो ये मेरे को काफ़ी, जो मैंने मूवीज़ में देख रखी है, वो यहाँ पर डिश उन्होंने ला के रखी है. सो प्रणवी, हाउ इज़ द एम्बियंस? आई लव द एम्बियंस. लुक एट द एम्बियंस. वाओ, इट इज़ सो एसेटिक एंड फोटोजेनिक. So Pranavi, which dish you are gonna try first? So let me tell you the name of the dishes. Okay. So this is chopsticks. This is not a dish. Must joke marar. Ya has re al kat has. So this is our, okay. So let's start with this. This is chicken sausage gimbap. This is Korean ramyeon. Okay. So basically it's noodle. Yeah, it's noodles. Korean noodles. For us, it's Korean noodles. And this is vegetarian, so best for people like it me. It is Korean spicy ramyeon. For people like me who are vegetarian, this is a good option. Okay. This is a sweet potato. Okay. This is I don't know the name, but they said something. Tomato. Tikka something they said. And this is eggs. Okay. Boiled eggs. This is New York cheesecake. Your favorite? Yeah. This is Dalgona coffee. Their famous best seller coffee, Dalgona coffee. तो आप यहाँ पर मेन्यू कार्ड देख सकते हो, डेजर्ट, ब्रेड, केक, बेवरेजेस, कॉफीज, और जो कोरियन नाम है ना डिशेस के, वो भी लिखा है, और उसके जो प्राइसेस है वो भी मेंशन किए हैं. तो मैं एक बार ऊपर से दिखा देता हूँ. ये है राइस मील प्लेट, देन और एक है पेज कोरियन स्ट्यूज रोल एंड फ्राइड रेमियन. तो जो हमने मंगवाया था ना, वो ये है
कोरियन स्पाइसी रमियन जो कि 420 को आता है, और उसके बाद हमने ये मंगवाया था चिकन सॉसेज गिम्बाप जो कि 450 को है। तो बेसिकली ये जो है वो 450 को है, जो रैमियन है वो 420 को है, जो चीज़ केक है ना न्यूयॉर्क चीज़ केक वो स्लाइस पर स्लाइस 250 को है, डलगोना कॉफ़ी इज़ फॉर 260, एंड जो ये सारे एग्स एंड वेजिटेबल्स है ना तो ये इसके साथ ही आता है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ के प्राइसेस बताए तो थोड़े प्राइसेस हाई, पर अगर आपको ऑथेंटिक कोरियन डिशेज ट्राई करना है ना तो ये जगह आपके लिए बेस्ट है। और यहाँ के जो ओनर है ना वो आसाम से, उनकी और एक दुकान है जो कि बैंगलोर में है, और यहाँ के जो स्टाफ है ना वो क्या हुआ है, मतलब जो कोरियन शेफ है ना उनके अंडर उन्होंने काम किया है, तो जो आपको कोरियन डिशेज की जो टेस्ट मिलेगी ना वो एकदम ऑथेंटिक कोरियन रहेगी। और यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं ना वो भी काफ़ी सारे फॉरेन कंट्रीज से आते हैं। It is tasty. It is the tastier version of Maggi. It has vegetables and some different, maybe Korean spices. Okay. And it tastes yum. It's addictive. I want to eat more. What I feel is, if you want to truly enjoy the Korean food, the best food is non-veg only. Yeah. No, veg is also nice. This is veg. But there are some limited options, na? It is limited. And this is chicken sausage kimbap. Okay. Like, don't feel like eating. It looks beautiful like this. Yeah. I have seen these dishes in Doraemon and Shinchan. It is Korean cartoon, na? Yeah. It's not Korean, it's Japanese anime. But the culture is almost same. I'll try this now with the dip. What is this dip? You know? This is I think soya something. Okay. Let me try. Very different. The next thing you should try this one, potato. Sweet potato, yeah. I think I can pick it up with the spoon. It is dipped in honey. Okay. It's sweet. Potato is kind of sweet only, and the honey is added, so it's become more sweet. I like the dish. It's nice, yummy. And this, I don't know what is it. This is the best option for health freaks like you. Nice. What is it? I just want to ask them. How was the taste? Nice. It's it's like cucumber, baby. Cucumber? Yeah. But it looks like tomato. It has this red sauce on it. Okay. So, and this is boiled eggs. Do I need to tell the taste? Yes, obviously. Maybe, yeah. You should pick it with the hands, I think. This is normal. The way the boiled egg tastes, I think it's similar. It's brown eggs, I guess. It's brown okay. eggs. Okay. Thoda sa different, but pretty much similar to our boiled eggs. Okay. You should try your favorite dish now. Desserts. Yeah. This? Okay. Try that first. I'll start with this. Okay. So these are dalgona. Spoons. ये वही कॉफी है जो हम कोविड में बनाया करते थे. मैंने खुद वीडियो बनाया था. This is the authentic one, I guess. मैंने खुद कोविड में ये बनाया था घर पे. वो ट्रेंड आया था बीच में. Look at this. This is dalgona. Okay. So dalgona is basically the cream, na? It is solid. The rest of the bottom is coffee, and on the top it is garnished with cream. It is not cream, it is
सॉलिडिफाइड कॉफी, सॉलिडिफाइड डालगोना मिक्स. नाउ चीज़ केक. सो लेट्स ट्राई दिस. सॉरी. Heaven. It's yum. It has eggs in it. Okay. I can feel it. तो अभी प्रणवी ने तो सब कुछ बता ही दिया. आई गेस मुझे कुछ बताने की और ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर लंबा हो जाता है वीडियो. तो बाकी कुछ और रहता है तो बताते हैं बाद में. पहले ये जो पूरा जो स्प्रेड है वो कंप्लीट करते हैं. तो देखो हमारा जो इंडियन खाना है ना वहाँ से जो कोरियन का खाना है ना वो बहुत ही अलग टेस्ट करता है. तो इसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि जो जो ऑथेंटिक कोरियन डिशेज है ना वो हमको पसंद नहीं आते. तो जो मेरे को सबसे अच्छा लगा ना वो ये था, नूडल्स थे. क्या नाम, क्या रामियन? रामियन कोरियन स्पाइसी. हाँ, कोरियन स्पाइसी रामियन नूडल्स मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आए नूडल्स. और ये मेरे को पहले पहले मतलब बिल्कुल टेस्ट नहीं आया, पर क्योंकि ये डालगोना कॉफ़ी है तो जब हम ऐसे गोल गोल घुमाते हैं ना तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है, थोड़ा मीठा हो जाता है. तो ये जो दो डिशेस थे ना वो मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छे लगे. तो जो नूडल्स थे उसको मैं देना चाहूँगा 9/10 और जो डालगोना कॉफ़ी है उसको मैं देना चाहूँगा 7/10. बाकी ये जो आप देख सकते हो तो ये तो मैं खाया नहीं है, प्रणवी ने खाया है. तो प्रणवी बोली मेरे को इतना अच्छा टेस्ट नहीं किया. हो सकता है क्योंकि ये ऑथेंटिक कोरियन डिश है इसलिए हमको पसंद नहीं आया होगा. तो इसकी दो रेटिंग ये दे सकता. उसके बाद ये जो न्यूयॉर्क चीज़ केक है उसको मैं देना चाहूँगा 10/10. बहुत ही क्या बोल सकते हैं, बहुत ही चीज़ी था. और ये जो स्वीट पोटैटो था इसमें तो ये भी मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा तो इसको मैं देना चाहूँगा 7/10. ये भी पता नहीं मेरे को क्या बोलते, मैं नाम भूल गया. तो इसको मैं 5/10 देना चाहूँगा. और लास्ट में क्या आता है, ये एक ना, ये एक का जो भी डिश था उसको मैं देना चाहूँगा. हाँ, प्रणवी ने खाया तो मैं बता नहीं सकता क्या खाया. तो जितना मैंने खाया अभी प्रणवी मेरे को इशारा कर रही है तो प्रणवी बोल रही है इसको 8/10 है. तो जितना भी मैंने खाया इसका जो जो डिप था वो अच्छा था इसलिए 8/10. ओके, तो जितना भी मैंने खाया आपको बता दिया. तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ऑथेंटिक कोरियन डिशेस खाने ना तो यहाँ पर आ सकते हो आप. तो इस शॉप का जो टाइम है ना वो दोपहर के 12 बजे से लेके रात के 10 बजे तक है. और अगर आप स्विगी जोमेटो पे डालगोना कैफ़े डालोगे ना तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो.